हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विशिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, हम रीडिंग करने वाले हैं आज क्या हो सकता है अचानक अगले कुछ घंटों में, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या हो सकता है अचानक अगले कुछ घंटों में। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, देखते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज एंजल्स, बताइए क्या हो सकता है अचानक अगले कुछ घंटों में मेरे व्यूअर्स के साथ। प्लीज एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के साथ अचानक अगले कुछ घंटों में क्या हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्या हो सकता है अचानक अगले कुछ घंटों में, प्लीज बताइए एंजल्स। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। एम्परर, ये कितने कार्ड्स हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। यहां पर भी तीन कार्ड्स निकले हैं नीचे। हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वैंड्स, लवर्स। ओके, बॉटम से है डेविल, जजमेंट। ओके, क्या हो सकता है अगले कुछ घंटों में। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। कपल निकला है गाइज यहां पर, तो यहां पर लव भी निकला है, लवर्स का कार्ड भी है। ओके, तो गाइज यहां पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मैं ये देख रही हूं गाइज कि शादी की कमिटमेंट मिल सकती है बहुत सारे लोगों को, ठीक है, अगले कुछ घंटों में। यहां पर निकल कर आया है, इस वक्त मैं ये देख पा रही हूं कि जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं गाइस, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स है यहां पर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है एंड लवर्स है, ठीक है, यहां पर सोर्ड्स की एनर्जी मौजूद है। तो अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो तो यहां पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लोगों का रिश्ता फिक्स हो सकता है। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी जो लव लाइफ है वो अच्छी हो सकती है, आपकी जो शादी है, ठीक है, वो अच्छी हो सकती है। यहां पर ये यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों ही मुझे ये दिखा रहे हैं इस टाइम कि आप लोग इस वक्त काफी काफी क्लियर कट एनर्जी में हो। मतलब जैसे आपके पर्सन हैं वैसे ही इस वक्त आप हो। अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत क्लियर कट बात करेंगे आपसे, और यहां से आप भी जब बात करोगे तो काफी क्लियर कट आंसर दोगे, ठीक है। यहां पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त एंटरटेन नहीं कर रहे हैं किसी को, और आप भी मूड में नहीं हो किसी को भी एंटरटेन करने के। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो आप सीधे बोलोगे कि या तो आप क्लैरिटी दे दो या फिर आप खत्म कर दो, ठीक है। आप ए वाली एनर्जी में हो, आप इन एनर्जीज में बिल्कुल नहीं हो कि आप रो चिल्लाओ या फिर आप अपने आप को डिप्रेशन में लेकर जाओ या फिर आप अपने आप को, मतलब बहुत आपको फील हो कुछ भी,
ठीक है, आप इस वक्त किसी की सुनने नहीं वाले, आप किसी के गलत बातों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त आपकी एनर्जी बिल्कुल क्लियर कट है कि सीधा अगर आप आ रहे हो तो साफ साफ और क्लियर बात करो, मुझे टाल मटोल की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाह रही हूं या चाह रहा हूं कि कोई मुझे घुमाए, ठीक है, या फिर कोई मुझे मैनिपुलेट करे। तो आप इन एनर्जीज में तो बिल्कुल नहीं हो। तो यहां पर मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन भी सेम एनर्जीज में है, ठीक है। इस वक्त अगर आप काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो, लवर्स का कार्ड भी निकल कर आया, तो यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि आपको ना लव ऑफर हो सकता है, ठीक है। ये तीनों कार्ड सिखा रहे हैं कि आपको कोई यहां पर ऑफर कर रहा है, ठीक है, आपको कोई यहां पर अपना अनकंडीशनल लव ऑफर कर रहा है, और ये वही पर्सन है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। और यहाँ दो दो मैरिज के कार्ड्स निकल कर आए हैं जो ये दिखा रहे हैं कि शादी की कमिटमेंट मिलेगी गाइस, ठीक है। एस ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है। ये पांचों कार्ड दिखा रहे हैं कि जो भी पर्सन है ये सीधा सीधा आपकी शादी की कमिटमेंट देंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो गाइज ये फिर आपके साथ आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा करेंगे, ठीक है। आप लोगों के बीच में जो भी गलत फहमियां हैं उनको ये खत्म करेंगे, ठीक है। ये भी यहां पर दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी आपके पर्सन काफी ज्यादा क्लियर कट मूड में है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज है ना समझ में आ रही नहीं आ रही। तो ये चीज सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये उनके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी जिनकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, ठीक है। जिनका कनेक्शन, जिनका रियूनियन का टाइम आ चुका है, जिन जिन के रियूनियन हो चुके हैं भाई उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जिनके नहीं हुए हैं उनकी भी डिवाइन टाइमिंग सबकी अलग अलग होगी, लेकिन रियूनियन तो होंगे गाइस, ठीक है। किसी का पहले, किसी का थोड़ा बाद में। तो यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट मिलने के आप लोगों को चांसेस यहां पर बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप इन्हीं एनर्जीज में रहिएगा, आप भावुक ना हो जाइएगा कि फिर आप कप्स की एनर्जी में चले जाएं, और ठीक है ना गाइस। इसके अलावा मैं यहां पर ये भी देख पा रही हूं कि बहुत सारे लोग यहां पर, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहां पर जिनको थोड़ी दुविधा परिस्थिति जिनकी लाइफ में हो सकती है अगले कुछ घंटों में, मतलब जिनकी लाइफ में ऐसा होगा कि उन्हें चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी, क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी, क्योंकि कुछ लोग यहां पर ऐसे भी हैं, ठीक है, जो बहुत अभी भी लोअर वाइब्रेशंस में फंसे हुए हैं, जिन्होंने बैलेंस बनाना बिल्कुल सीखा ही नहीं है अभी तक, और उनको नहीं पता कि बैलेंस कैसे बनाया जाता है, कोडिपेंडेंसी से बाहर कैसे आया जाता है और इंडिपेंडेंट कैसे बना जाता है। तो जो लोग भी अभी भी नहीं सीख पाए हैं इंडिपेंडेंसी को, वो अभी भी इन्हीं एनर्जीज में रहने वाले हैं जहां पर उनको ऐसा लगेगा कि कोई क्लैरिटी नहीं है मेरी जिंदगी में, मैं फंस गया हूं या फंस गई हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं ये देख पा रही हूं कि कुछ लोग हैं यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज में, और कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइस जो बहुत खुश हैं अगले कुछ घंटों में, जो बहुत खुश हैं, जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, सेल्फ लव में है, अपनी लाइफ में मजे कर रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कौन आ रहा कौन जा रहा, उन्होंने सोच लिया है कि जो होना है वो डिवाइन की मर्जी से होना है, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, हम कितना भी कुछ भी कर ले, किसी के पीछे कितना भी पड़ ले, उसे कितना भी कन्विंस कर ले, अंत में चलनी डिवाइन की ही है। तो वो इंसान बहुत फ्रीली अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, सेल्फ लव में हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा हक किसी चीज पर है तो वो है हम खुद, ठीक है। हमारा जो हक है वो हमारे खुद के ऊपर है, हम खुद से ही सबसे ज्यादा चीजों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी ही लाइफ को अपनी ही तरीके से ब्यूटीफुल बना रहे हो और अपने आप से ही अपनी सारी खुशियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग तो बहुत इंडिपेंडेंट हैं, और हो सकता है जो लोग अभी कोई इंटरव्यू एग्जाम्स वगैरह दे के आए हो तो उनका वो क्लियर हो जाए, तो वो भी अपने आप में इंडिपेंडेंसी को फील कर पाए। जो अभी डिपेंड है किसी और के ऊपर अपने खर्चों के लिए, अपनी चीजों के लिए, वो भी यहाँ पर इंडिपेंडेंसी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले कुछ घंटों में। तो ये भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है ना गाइज। यहाँ पर गाइज मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है कि अगर आप लोग सिंगल हो और अगर आप अपने एक्स को नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि यहां सब तो काउंटर पार्ट होंगे नहीं, कुछ ऐसा भी होगा जो कार्मिक के साथ डील कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं ये भी देख रही हूं गाइस कि आपको कोई ऑफर मिल सकता है, ठीक है। जो भी ऑफर आपको मिलेगा किसी पर्सन के थ्रू, वो आपको शादी का ऑफर दे सकते हैं, मतलब आपके लिए कोई शादी का रिश्ता आ सकता है अगले कुछ घंटों में, ठीक है। ये यहां पर मैं देख पा रही हूं। तो ये चीज भी यहां से निकल कर आई है कि अगर आप न्यू को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है, अगर आप नहीं चाह रहे अपने पुराने
पुराने पर्सन को और आपको लगता है कि उसने आपको बहुत हर्ट किया है, वो आपका कार्मिक था, ठीक है। तो यहां पर ये भी देख रही हूँ कोई नया इंसान आपको शादी की कमिटमेंट दे रहा है, ठीक है गाइस। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि वो जो भी पर्सन है वो आपसे एज में बड़ा हो सकता है, ठीक है। वो जो भी पर्सन है वो आपसे एज में बड़ा हो सकता है। एम्परर की एनर्जी यहाँ निकल कर आई, नीचे एस ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो पर्सन एज में उनसे थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। यहां पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है, जो रातों को रो रहे हैं और जिनको काफी ज्यादा तकलीफ है, ठीक है। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ अगले कुछ घंटों में वो इन एनर्जीज में रहेंगे, तो जिनको भी ये एनर्जीज फील हो, उन्हें ऐसा लगे कि उनको रोना आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, पर्जिंग हो रही है, ठीक है, इस तरीके की चीजें अगर आपके साथ हो, तो आप लोगों को सबसे पहली चीज जो याद रखनी है कि आपको जो भी अभी सिचुएशन दी गई है डिवाइन के द्वारा, अगर आप उसमें हारते हैं तो लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे आप। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे डियर, तो इस लाइफ में, इस पूरी जिंदगी में आपको एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको देखकर आप ये कह दो कि ये अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, ठीक है। लोग सोशल मीडिया पे देख के एक दूसरे को बड़ा खुश समझते हैं कि अरे उसकी जिंदगी बढ़िया चल रही है, उसकी बढ़िया चल रही है, लेकिन अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ऐसा इंसान ही नहीं है पूरी दुनिया में जिसको किसी बात की तकलीफ ना हो। कोई शरीर से दुखी है, किसी को शरीर में प्रॉब्लम है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को लव लाइफ में प्रॉब्लम, किसी को करियर में प्रॉब्लम, फाइनेंस की दिक्कत है, किसी पे पैसा है तो उसके पास रिश्ते नहीं है, तो यहाँ पर टोटल खुश तो कोई भी नहीं है। खुशी तब मिलती है जब आप समझ पाओ कि खुशी आखिर है क्या। बंधना नहीं है किसी से, ये सबसे बड़ा लाइफ लेसन है, ठीक है। लोग बंध जाते हैं इसीलिए इतनी तकलीफ पाते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाए ना, पूरी तरीके से आजाद कर लें खुशी खुश खुद को, तो खुशी उनके बहुत नजदीक है। तो आपको बस ये नहीं सोचना है कि आपकी जिंदगी खराब है, ठीक है। आपसे भी बहुत ज्यादा परेशान लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को खुश रखिए और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, ओके। अगला देख रही हूँ गाइस कि जैसा मैंने आपसे कहा कि किसी तरीके का आपको करियर में भी ऑफर आ सकता है, कोई करियर में अपॉर्चुनिटी अगले कुछ घंटों में आपके दरवाजे पर नॉक नॉक करेगी, तो ये आप देख लीजिएगा कि आप उसको उठा पाते हैं कि नहीं। और ये जो मैं देख रही हूँ करियर में अपॉर्चुनिटी, वो रिलेटेड हो सकती है गाइज आपके टीचिंग की जॉब हो सकती है, आप लॉयर हो सकते हो, आप कोई गुरु हो सकते हो, ठीक है। आपको यहां से कोई ऑफर मैं देख रही हूँ कि मिल सकता है, ठीक है। कोई ऐसा लेक्चरार, कोई ऐसा प्रोफेशन जहां पर काफी नॉलेजेबल पर्सन की जरूरत हो, ठीक है। तो यहां पर मैं ये देख पा रही हूँ कि इस तरीके से आपको करियर में कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस तरीके की जॉब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टीचिंग के लिए कहीं पर अप्लाई की हो तो वहां से आपको कॉल आ सकता है, तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि आपके इंट्यूशंस अगले कुछ घंटों में काफी स्ट्रांग रहेंगे, तो वही डिसीजन लीजिए जहां पर आपके इंट्यूशंस बोलें कि ये सही है, ठीक है। जहां पर आपके इंट्यूशंस बोलें कि ये चीज सही नहीं है, वहां पर रुकिए, वहां पर रुकने की जरूरत है। अपने मन के खिलाफ जाके चीजों को मत कीजिए, वरना आगे जाके फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका मन आपको सचेत करता है किसी चीज के लिए कि ये गलत है, तो उसकी सुनिए कि फिर आपको भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है। क्योंकि आप यहां पर अपनी लाइफ को बनाने आए हैं, बिगाड़ने नहीं, किसी के लिए भी नहीं, नहीं मतलब नहीं, ठीक है। इसको याद कर लिया कीजिए, जब भी आप बहुत टूटा हुआ फील करते हैं ना, जब भी आपको लगता है बिखर गए, तब इस एनर्जी को आप याद कीजिए और इस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए। स्ट्रांग बनिए, क्योंकि यहां पर तोड़ने वालों की कमी नहीं है, और जरूरी नहीं कि हर वक्त आपको कोई दो हाथ से जोड़ने आ जाए, ठीक है। तो ना मौका दीजिए किसी को तोड़ने का, ना मौका दीजिए कि कोई किसी की जरूरत पड़े कि कोई जोड़ने आए, ठीक है। अपने आप से खुद को संभाल सकते हैं। नाइट ऑफ वेंड सिखा रहे हैं गाइस कि कोई पैशनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ेगा अगले कुछ घंटों में, ठीक है। अगले कुछ घंटों में कोई आपकी तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहा है, तो ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग अगर डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं, तो उनके पर्सन यहाँ पर उनको शादी की कमिटमेंट डेफिनेटली दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये निकल कर आया क्योंकि
आए हैं यहाँ से, कपल निकल कर आए, यहाँ पर से दो दो मैरिज कार्ड भी निकल कर आए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो लव ऑफर है वो किसी न्यू पर्सन के साथ भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि वही पर्सन है ये जो जिनसे आप चाह रहे हो कि अब भैया परमानेंट कमिटमेंट मिल जाए, वो आपकी तरफ आ जाए, तो वो मुझे आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गाइस कुछ लोग ना यहाँ पर जजमेंट कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर जजमेंट हो रहा है। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम से किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए थे, ठीक है, मैं वही बोलूंगी जो रीडिंग में निकला है, अगर आप बहुत लंबे टाइम से किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए थे या आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, तो वहां भाई जजमेंट है, वो पर्सन आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएगा। अगर वो फ्यूचर के लिए आपकी लाइफ में लिखा नहीं है, अगर वो आगे के लिए आपकी लाइफ में नहीं लिखा है, अगर वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, तो यहाँ पर जजमेंट के साथ वो चीज, वो कार्मिक यहाँ पर रिलीज होते हुए भी दिखाई दे रहा है हमेशा के लिए, ठीक है। तो फिर आप ये है कि आप भरोसा रखिए, क्योंकि अब जो आएगा आपकी लाइफ में वो आपके डिवाइन की मर्जी से आएगा और वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा भी है गाइस कि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, तो कुछ लोग अपने यहाँ पर नेगेटिविटी को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं, उनकी लाइफ में जजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये जब नेगेटिविटी खत्म हो रही है, तो ऐसा भी है कि अगर आप किसी कर्मा से डील कर रहे थे या कार्मिक से डील कर रहे थे, तो वो भी रिलीज हो जाए यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप अपने काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे थे, तो यहाँ पर जो कार्मिक है वो रिलीज होगा, ठीक है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, डिवाइन यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस। तो ये यहां से मैं देख पा रही हूं, तो काफी अच्छी एनर्जीज यहां पर निकल कर आई हैं, तो इन एनर्जीज को क्लेम कीजिए, क्योंकि रियूनियन की एनर्जीज हैं घर पे, तो कमेंट सेक्शन में क्लेम जरूर कर लीजिएगा इस रीडिंग को, ठीक है, इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को, और लाइक जरूर कीजिए मेरे वीडियोज को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। इस डेक से देखते हैं क्या निकलता है और एक्स्ट्रा। यूनिवर्स, पहला कार्ड जो अनफोल्ड हुआ है वो यूनिवर्स लग रहा है गाइस, कुछ लोगों के रियूनियन हो रहे हैं अगले कुछ घंटों में। यहां पर है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस टावर, अच्छा, हार्मनी हो रहा, रियूनियन हो रहा है यहां पर, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, अथॉरिटी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, इमोशनल लॉस, क्राउन चक्रा। तो यहां पर ये दिखाई दे रहा है गाइस के यूनिवर्स की मर्जी से बहुत लोगों के यहां पर मैं देख रही हूं कि विशेस पूरी हो रही हैं, उनकी पार्टनरशिप हो रही है उनके पर्सन के साथ, उनके पर्सन अथॉरिटी को अपने हाथ में ले रहे हैं और इनका हो रहा है यहां पर रियूनियन, ठीक है। ये पांचों कार्ड रियूनियन की वाइब्स दे रहे हैं, आपकी जो भी विशेस हैं वो यहाँ पूरी हो रही हैं, आप जिस पर्सन के साथ चाह रहे थे पार्टनरशिप, जिससे चाह रहे थे कि वो अपनी पावर्स को अपने हाथ में ले, ठीक है, और आपको कमिटमेंट दे, तो वो भी मैं यहाँ देख रही हूँ, हार्मनी यहाँ पर निकल कर आया और ये सब हो रहा है यूनिवर्स की मर्जी से। तो ये पांचों कार्ड तो ये दिखा रहे हैं गाइस के रियूनियन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये तीन कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि कुछ लोग के कनेक्शन, कुछ लोग की लाइफ में ऐसा है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यू चल रहे हैं तो वो ठीक होंगे, कुछ लोग इमोशनल लॉस में भी मुझे अगले कुछ घंटों में दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है गाइस कि डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा फील हो, ठीक है, टावर, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में टावर हिट करे, आपको ऐसा लगे कि आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया, इमोशनल लॉस की एनर्जी है, ठीक है, और आपको ऐसा फील हो कि आप टूट गए, ठीक है। तो आप हमेशा ही, जैसे मैं बोलती हूँ, मेरी रीडिंग उठा के देख लीजिएगा, आपको पूरी पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है ना गाइस। सो गाइस ये है आपकी रीडिंग, क्राउन चक्रा आपको बता देगा गाइस, क्राउन चक्रा पर काम कीजिएगा, आपको डिवाइन पूरी पॉजिटिविटी देंगे और आपको ऐसे मैसेजेस देंगे कि आपको टूटोगे नहीं, आपको टूटने नहीं देंगे, ठीक है। सो गाइज ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू गाइज़।